करनाल में श्री कृष्ण गौशाला की ओर से होली के रंग गौ माता के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गौ माता को तिलक किया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने पहुंचकर उपस्थित संगत को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि ऋषि मुनियों ने पर्वों की परंपरा को जोड़े रखा है और हर पर्व समाज में एक नई ऊर्जा पैदा करता है, जिसे ऊर्जावान होकर समाज आगे बढ़ता है। इस अवसर पर मौजूद संगत द्वारा फूलों की होली खेलकर होली महोत्सव की गरिमा को चार चांद लगाए गए। श्री कृष्ण गौशाला की ओर से आयोजित इस महोत्सव में दूर दूर से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर होली के जश्न का आनंद उठाया। यहां हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण गौशाला जनकपुरी की ओर से श्री कृष्ण गोपाष्टमी व अन्य पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उसी परंपरा को कायम रखते हुए स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में होली का महोत्सव भी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पहुंचकर झूम उठे और फूलों की होली खेल व देश व समाज में आपसी भाईचारे का संदेश दिया। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक खास रिपोर्ट। यहाँ इस बड़े वातावरण में हम सबको सौभाग्य मिला है होली के रंग गौ माता के समय। कुछ मिनटों में दो चार संकेत परंपरा को लेकर, होली को लेकर, और फिर जो भाव अभी प्रारंभ हुआ विष्णु बाबरे जी के द्वारा, अभी तो प्रारंभ में स्वाभाविक है गुरु वंदना और फिर के ऋषियों ने हमारी परंपराओं को त्योहारों के साथ जोड़ दिया। उसके कई लाभ हुए हैं। थोड़ी देर के लिए रणेंद्र जो आए, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.